शर्मनाक तस्वीर है इस वीडियो के अंदर मैं देखने वाला हूँ। बाबर आजम के कुछ गुस्से से भरे मूवमेंट जो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, अग्रेसिव मूवमेंट जो है बाबर आजम के। बाबर आजम ऐसे तो कूल लगते हैं, कप्तान काफ़ी कूल टाइप के हैं, लेकिन हाँ कभी कभी उनको भी गुस्सा आ ही जाता होगा यार, सबको आता है। कि पेशावर जलमी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच था, मैच 13वां था शायद PSL 8 का, तो उसमें भी शायद कुछ गुस्सा किया उन्होंने, बैट फेंका, क्योंकि यार अजीब माहौल बन गया था। तो देखते हैं कुछ बाबर आजम के गुस्से वाले मोमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों बाबर आजम वैसे तो एक जेंटलमैन प्लेयर हैं, लेकिन दोस्तों बाबर आजम जैसा जेंटलमैन प्लेयर भी कभी कभार बहुत गुस्सा करता है। दोस्तों बाबर आजम एक कूल एंड काम क्रिकेटर नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों जब मैच में कोई चीज बाबर आजम के खिलाफ होती है तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है और ये मैच में ही अपने गुस्सा का इजहार करते हैं। जीत तो के खिलाफ होती है बाबर आजम। आज के वीडियो में बाबर आजम के पास जज्बाती एंग्री मोमेंट दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों बाबर आजम बहुत सुकून और इत्मीनान से बैटिंग करते हैं और बहुत तेजी में रन बना रहे होते हैं और बगैर एग्रेशन दिखाए सेंचुरी भी कर जाते हैं, लेकिन जब ये कैप्टन हो और पिच में दूसरा बैट्समैन गलती कर रहा हो तो ये चुप से कहाँ खेलने वाले। दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के एक T20 मैच में जब आसिफ अली ऑस्ट्रेलियाई बॉलर को एक गलत शॉट मारकर आउट हुए तो बाबर आजम ने बीच मैदान में ही इनकी क्लास लेना शुरू कर दी और इन्हें ठाक सुनाया। दोस्तों बाबर आजम का ये एग्रेसिव मोमेंट देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भी बहुत ताजुब हुआ। दोस्तों बाबर आजम ऑन फील्ड बहुत कूल रहते हैं, लेकिन जब से इन्हें कैप्टन से मिली है तो ये बहुत जज्बाती हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल लेवल की कैप्टनसी में बहुत प्रेशर होता है। दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के एक T20 मैच में जब पाकिस्तान को 2 ओवरों में 12 रन डिफेंड करना था तो तकरीबन पाकिस्तान ये मैच जीता हुआ था, लेकिन इसके अगले बॉल में हारिस रऊफ को एक छक्का पड़ गया, बस अब क्या होना था। बाबर आजम को बहुत गुस्सा आ गया। बाबर आजम ने हारिस रऊफ से गुस्से वाले अंदाज में कहा, तुझे जैसे बॉलिंग करने को कहा है वैसे ही कर, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कर। दोस्तों बाबर आजम का ये तल्ख जुमला हारिस रऊफ को बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने भी अपना एग्रेशन दिखाया। दोस्तों एंड ये मैच पाकिस्तान ने जीत लिया, बट हमें बाबर आजम का एग्रेसिव मोमेंट देखने को मिला। दोस्तों बाबर आजम नेट प्रैक्टिस करते हुए बहुत सीरियस रहते हैं और बॉल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई बॉल इन्हें चकमा देकर इनकी गुल्ली उड़ा देती है तो ये बहुत गुस्से में आ जाते हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान जब बॉलरों की एक बॉल बाबर आजम को आउट करती है तो बाबर आजम गुस्से में आ जाते हैं और अपने बैट को खींच कर स्टंप में मारते हैं, जिससे स्टंप की गुल्ली उड़ जाती है। दोस्तों ये मोमेंट बाबर आजम का बहुत एग्रेसिव मोमेंट है। दोस्तों बाबर आजम ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड अच्छे मूड में रहते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ बाबर आजम को बुरी लगती है तो ये गुस्से में आ जाते हैं। जैसे दोस्तों 2018 में जब बाबर आजम ने अपनी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल किए तो बाबर आजम को जैनब अब्बास ने मुबारकबाद दिया और इसके साथ मिक्की आर्थर का बेटा कहा। दोस्तों बाबर आजम को ये ट्वीट पसंद नहीं आया, इन्होंने ट्वीट किया और कहा, डोंट क्रॉस योर लिमिट, अपनी हद पार ना करो। दोस्तों इससे पहले बाबर आजम को मद्दाहों ने गुस्से में नहीं देखा था। ट्वीट भी कर देते भाई गुस्से में। दोस्तों आपने जेंटलमैन बाबर आजम को अब बहुत गुस्से में देख लिया, अब हम आपको ये मोमेंट दिखाएंगे कि जब बाबर आजम पे गुस्सा किया गया। दोस्तों इंस्टाग्राम में एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे शुएब मलिक ने पूछा, व्हाट्स योर फेवरेट भाभी, तो इन्होंने कहा सरफराज अहमद की वाइफ, बस अब क्या होना था। सानिया मिर्जा को ये हजम नहीं हुआ। जब इनसे शुएब मलिक ने बाबर आजम के बारे में पूछा तो सानिया मिर्जा ने कहा, रहना हमारे घर में, खाना हमारे घर में और फेवरेट भाभी हम नहीं, वाह भाई वाह, फेवरेट भाभी कोई और। बाबर आजम मायूस और गुस्से में आकर बल्ला फेंक दिया।
इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ एचपीएल पीएसएल 8 के 12वें मैच के दौरान पेशावर जर्मी के कप्तान बाबर आजम परफॉर्मेंस से मायूस हो गए। मैच के दौरान पेशावर जर्मी के कप्तान की मायूसी के अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहिए था। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबर आजम अपना बल्ला गुस्से में फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जर्मी की इनिंग्स के इख्तिताम पर बाबर आजम डग आउट में जाते हुए बाउंड्री लाइन पर मौजूद कुशन्स पर लात मार देते हैं जिससे वो कुशन फट जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग के दौरान फील्डिंग करते हुए बाबर आजम खिलाड़ियों पर गुस्सा करते हुए भी दिखाई देते हैं। इस तरह बाबर आजम ने कहा है कि हसन अली के स्पेल ने आज पूरा गेम तब्दील कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेशावर जर्मी के कप्तान का कहना था कि बातें तो लोग करते रहते हैं, मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, कोशिश होती है कि हर जगह 100% दूं। बाबर आजम ने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में स्टार्ट अच्छा हुआ लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर सके, ऊपर नीचे विकेटें गिरने की वजह से मुश्किल हुई। एक बाबर आजम का कहना था कि सूरत हाल ऐसी हुई थी कि खेल को आखिर तक ले जाऊं, आज की विकेट पर 200 के लगभग स्कोर हो सकता था। उन्होंने कहा कि T20 में तेज खेलना पड़ता है, कभी कभार मुख्तलिफ शॉट्स खेलने पड़ते हैं, अपने नेचुरल गेम में रहकर भी आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकते हैं। बाबर आजम का कहना था कि खिलाड़ी एक दूसरे को चैलेंज करते हैं तो टूर्नामेंट को हाइप मिलती है, हर प्लेयर अपनी फ्रेंचाइज के लिए अपना बेहतरीन करने की कोशिश करता है। बाबर आजम का यह भी कहना था कि मैं हर तरह के चैलेंज को मुस्बत अंदाज में लेता हूं। मैं आज अपनी इनिंग्स के पहले हिस्से से मुतमिन हूं, दूसरे हिस्से से नहीं। बहुत जबरदस्त मूवमेंट थे भाई, गुस्सा तो आता है। सबसे पहले मैं नए मैच की बात करूँ, अभी पेशावर जलमी वर्सेज इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्या स्कोर चल रहा था भाई, 69 रन पावर प्ले के अंदर 69 रन थे आई थिंक। तो आप सोचें कि अच्छे ओवर के अंदर 69 रन वाला बना लिए, मतलब आधा मैच तो इन्होंने बना लिया अपना। फिर सोचें कितनी बॉलें बची हुई थी, कितना स्कोर खड़ा हो सकता था। बड़ी तगड़ी बैटिंग कर रहे थे, बाबर आजम तो बहुत अच्छा खेल ही रहे थे, लेकिन बाकियों ने क्या किया यार, कोई बैटिंग ही नहीं करके गए, जीरो वीरो वीरो। हारिस ने खेले, हारिस बस अच्छा स्कोर कर गया है, वो आउट ना होता तो शायद स्कोर और लंबा जाता। उसके बाद कोई नहीं चला, ना अंग्रेज चले ना देसी लोग चले। सैम अय्यूब से बहुत उम्मीदें हैं मुझे, पहले मैच के बाद जब मैंने उनकी बैटिंग देखी है तो वो दूसरे में भी नहीं चले, अब तीसरे में भी नहीं चले, तो ये पूरी ढेर हो गई भाई, पूरी टीम ढेर हो गई 154 पर। स्कोर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने यार, ऐसे कौन करता है यार, तो भाई गुस्सा आना था, जाहिर सी बात है इतने लो स्कोर पर गुस्सा तो आएगा। एंड अच्छा नहीं हुआ बैटिंग का, हसन अली के सच बात है उन्होंने भाई गेम पलट दिया था, कुछ और सोचकर आए थे लेकिन हुआ कुछ और, लेकिन जो भी होता है भाई, होना होता है, उसका क्या कह सकते हैं। सब अपनी अपनी टीम के लिए बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन कल भाई इस्लामाबाद का दिन था, कि बल्ला फेंकना और बाउंड्री पर पैर मारना, और उसके अलावा पुराने मूवमेंट्स भी हमने देखे, आसिफ अली पर चिल्ला रहे हैं, हारिस रऊफ पर चिल्ला जाते हैं, तो ये मूवमेंट है। आप सिचुएशन समझिए कि कप्तान है भाई, वो इंटरनेशनल अगर मैच चल रहा है, अगर वैसे कि पूरी पाकिस्तान की टीम को संभाल रहा है बंदा, तब भी गुस्सा आता है। लेकिन ये अलग अलग टीमों के खिलाड़ी खेल रहे हैं पीएसएल में, तो भी भाई साहब को गुस्सा आ जाता है। बाबर आजम का ये हमें गुस्सा कोई बहुत तगड़ा वाला नहीं लगता है, मुझे तो क्यूट सा गुस्सा लगता है बाबर आजम का। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।